आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी कि मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 16 दिनों के अंदर 12वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल और डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। वही आज एक बार फिर से सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 105.41 रुपए हो गई है, जबकि डीजल 96.67 हो गया है और सीएनजी की कीमत 66.61 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। आईपीएल 2022 के 13वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हुआ। इस मैच में राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा। ये राजस्थान की पहली हार है, वहीं ये बैंगलोर के सत्र में दूसरी जीत है। बैंगलोर ने इस मैच को 4 विकेट से जीता है। 170 रन के स्कोर का पीछा करते हुए बैंगलोर ने शुरुआत तो अच्छी की थी। फाफ डुप्लेसिस और अनुज ने पहले विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की थी, लेकिन फाफ के 29 रन पर आउट होने के बाद बैंगलोर का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका। विराट कोहली भी इस मैच में बुरी तरह से फ्लॉप रहे और सिर्फ 5 रन बनाकर विराट कोहली भी आउट हो गए। सोनभद्र के दुद्धी में बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर नाराज दुद्धी तहसील क्षेत्र के महुली म्योरपुर सहित स्थानीय पत्रकारों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने नायब तहसीलदार विशाल कुमार पासवान को यह ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि प्रदेश में शासन काल में एक ओर जहां आम जनमानस में निर्णय व सुकून का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ अधिकारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को निशाना बनाकर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि ये खबर बलिया से जुड़ी है, जहां पर पत्रकारों के खिलाफ जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर सोनभद्र में भी पत्रकारों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा है। बलिया प्रकरण में जिस तरीके से कथित दोषी करार दिया गया है पत्रकारों को, हकीकत बात तो यह है कि उन्होंने ही इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गलत लोगों को चक्र रच के फंसा दिया गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को प्रदेश के मुखिया के ऊपर भरोसा है। कितने डीएम और एसपी सस्पेंड हो रहे हैं अपने कार्यप्रणाली की वजह से, मुझे विश्वास है, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री से कि बलिया के भी डीएम और एसपी के खिलाफ न्यायिक जाँच करा के जो इस मामले में दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, पत्रकारों को तत्काल रिहा कराया जाए और पर्ची मुकदमा वापस किया जाए। ये प्रदर्शन पत्रकारों के स्वतंत्रता के खिलाफ है। बलिया में पेपर लीक मामले को उजागर हमारे साथियों ने किया था, उसको अपना छिपाने के लिए जो है जिला प्रशासन डीएमएसपी ने फर्जी मुकदमा लाद के वहाँ के हमारे पत्रकार साथियों को जेल में बंद कर दिया। इस तरह से पत्रकारों के स्वतंत्रता पे स्वतंत्रता का हनन है, उसे बंद किया जाए, फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम लोग प्रदर्शनरत हैं। हम अगर हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है, डीएम या और एसपी बलिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम पत्रकारगण पूरे प्रदेश के अनिश्चितकाल। खबर गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों के आगे पुलिस प्रशासन अब बेबस नजर आ रहा है। यही वजह है कि दिन दहाड़े बदमाशों ने साहिबाबाद थाना क्षेत्र के डीएलएफ इलाके में एक महिला से बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जबकि स्नेचिंग के दौरान महिला ने हिम्मत दिखाते हुए मंगलसूत्र छीन रहे बदमाश का हाथ पकड़ लिया और उससे मंगलसूत्र छुड़ाने की भी कोशिश की, जिस पर बेखौफ बदमाश मंगलसूत्र के साथ साथ महिला को भी बाइक पर कई मीटर तक घसीटते हुए ले गए,
जिससे महिला घायल हो गई। हालांकि बदमाश महिला के मंगलसूत्र का लॉकेट लूट कर फरार हो गए। वही घटना के बाद से इलाके के लोगों में अब दहशत का माहौल है। 2 तारीख को डीलप क्षेत्र में अपना बच्चों को इंतजार कर रहा था महिला के साथ, एक बाइक सवार आदमी ने लूट किया है। उनका चेन, लॉकेट और पर्स गया है। इस मामले में हम पुलिस को टेरिट अभी मिला है, तो उसका मुकदमा लिखा जा रहा है और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बदमाशों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, इस घटना में कोई सीसीटीवी बताया जा रहा है, शिकायत में महिला के द्वारा कहा जा रहा है, क्या पुलिस उसको भी जांच रही है? सीसीटीवी बिल्कुल देखा जा रहा है, उसके आगे का पॉइंट भी देखा जा रहा है, ताकि हमको पता चलेंगे किस रास्ते से लूटे रहे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में आगरा जोन महानिदेशक के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान हर्बल ग्रीन वाटिका का उद्घाटन रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर किया गया। इस दौरान सभी ने वृक्ष और पर्यावरण को बचाने का संकल्प भी लिया, साथ ही पुस्तकालय में बच्चों को विभिन्न विषयों की बुक्स को उपलब्ध कराने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। आज जनपद फिरोजाबाद का वार्षिक निरीक्षण है, इसमें पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस और विभिन्न ब्रांचेस का समीक्षा निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में आज थाना मक्खनपुर और थाना पचोखरा, इनका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। थाना मक्खनपुर में जो भवन है, जो बिल्डिंग है, जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, संतोषजनक है। जो रिकॉर्ड्स का रखरखाव है वो ठीक है, और जनरली पब्लिक के, नागरिकों की, शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें जो और बेहतर हो सकता है उसको वो किया जाएगा। इस समय जो है त्यौहार है, अभी जो लोग व्रत हैं, उसके अलावा मंदिरों पे नैया चढ़ाने जा रहे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत खराब है। कई जगह मेनपुरी में एक्सीडेंट हुआ, 4 की मौत हुई, यहाँ भी 2 जगह ट्रॉली पलटी, तो कुछ लोग घायल हुए, उस पर किस तरीके से? ट्रैफिक का सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और डेफिनेटली त्यौहार, मेले इत्यादि के दौरान और ज़्यादा ट्रैफिक में अलर्टनेस की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली इन दिनों में विशेष व्यवस्था जिला पुलिस के द्वारा की जा रही है। खबर एटा जिले से है, जहां 38 साल पहले युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में लंबित दंडित अपील के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करने में एटा पुलिस की ओर से सफलता प्राप्त की गई है। आरोपी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा ताराचंद दुबे को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अभियुक्त 1982 के एक अभियोग में वांछित था, उसमें गिरफ्तार हुआ था और वो माननीय न्यायालय से बेल प्राप्त होने के बाद ट्रायल पे उपस्थित नहीं हो पा रहा था और काफ़ी समय से दिल्ली में छुपके नहीं रह रहा था। माननीय न्यायालय द्वारा जारी MPW के कंप्लायंस में आज कोतवाली नगर द्वारा यह कार्रवाई की गई है और लगभग 38 सालों बाद इसे गिरफ्तार करके माननीय। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां ईसाई मिशनरीज द्वारा संचालित कॉन्वेंट विद्यालयों की यूनिफॉर्म में ईसा मसीह का फोटो लगाना अनिवार्य होगा। अब इस आदेश को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को सौंपा। वह इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास, हिंदू जिला मीडिया प्रभारी रामकृष्ण मिश्र समेत संगठन के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रायबरेली पुलिस ने एक और चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ये चेन स्नेचर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भाग निकला था, जबकि इसका साथ ही एजाज पकड़ा गया था। वहीं पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग को लेकर इनकी धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में SOG कोतवाली पुलिस और ऊंचाहार पुलिस को शामिल किया गया था। चेन स्नेचिंग का गिरोह सक्रिय हो गया था, जिससे 4 महीने के अंदर करीब 9 चेन स्नेचिंग कर ली थी। इसको पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर ऊंचाहार, इंस्पेक्टर कोतवाली, मिल एरिया और SOG प्रभारी की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के उसमें लगाई गई और इस टीम ने काफ़ी प्रयास के बाद CCTV फुटेज और सर्विलांस
और पुलिस की अपनी जो मुखबिरी है उसके माध्यम से काफ़ी प्रयास करने के बाद इस गैंग का के सदस्यों को पकड़ा। और जैसा कि आपको जानकारी है कि परसों इसी संबंध में एक एजाज नाम का मुलजिम था जिसके ऊपर करीब 29 मुकदमे थे, उसके साथ पुलिस मुठभेड़ हुई थी, उसको गिरफ्तार किया गया। उसका एक साथी वहाँ से फरार हो गया था जिसको आज ऊंचाहार पुलिस और बाकी एसओजी और सभी की पुलिस। उत्तर प्रदेश की कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कारागार मुख्यालय में समीक्षा बैठक की और साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश 100 दिन में विकास का खाका तैयार करने पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपने विभाग को बेहतर उपलब्धियों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, आज एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें आला अधिकारी आए थे, क्या बैठक का उद्देश्य था और क्या बातें हुई? इस समीक्षा बैठक में एक परिचयात्मक बैठक थी, कल पदभार लिया था हमने, उसके बाद में आज परिचयात्मक बैठक बुलाई थी। कुछ सुझाव हमें देने थे, कुछ सुझाव उनको हमें लेने थे। आज हमने जो है एक कहा है एक हेल्पलाइन नंबर लागू हो जिसमें सभी लोग अपना सुझाव और शिकायत जो भी करें और उसका निस्तारण भी हो, ये हमने कहा है। और प्रार्थना के बाद में हमारे जो बंदी हैं उनकी मानसिकता बदले उसके लिए हमने गायत्री मंत्र हो, चाहे वो महामृत्युंजय का मंत्र हो, 5 या 10 मिनट उच्चारण हो हर जेल में, और समय समय पर संतों महंतों के प्रवचन हों जिससे उनकी मानसिकता बदले और वो एक इंसानियत की जिंदगी जी सकें, ये प्रयास हमारा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से 100 दिन का विभागीय खाका तैयार करने कहा गया, क्या कितना तैयार है आपका विभाग? हमने तैयार कर लिया है और जो हम देंगे वो पूरा भी करेंगे। अच्छा सर, मानसिक स्थिति को सही करने के लिए विदेशों में कुछ अच्छे कैदियों को टूर पे ले जाया जाता है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है? देखिए, पहले कल हमने पदभार लिया था, आज बैठक बुलाई है और उसके बाद हम स्वयं जा करके देखेंगे और देखने के बाद में जो उनके सुधार के लिए संभव होगा माननीय मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करके उसमें व्यापक सुधार करेंगे। अच्छा, ऐसे कई सारे कैदी होते हैं जिन्हें वकील नहीं मिल पाते हैं और वो जेल में रह जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ प्रावधान किया जाएगा? हाँ, सोचा जाएगा, ऐसे उनके लिए भी सोचा जाएगा बहुत सकारात्मक सोच के साथ। और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने उसमें हमारे कारागार विभाग की भी भूमिका रहे, ये प्रयास हम लोग करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कैदियों के लिए हर एक वो प्रयास किए जाएंगे जिनसे उनका जीवन बेहतर हो सके और आने वाले समय में जो जेल कारागार होगा उसमें कई सारी सुविधाओं में बदलाव किए जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर अलीगढ़ से है जहां साइबर क्राइम पुलिस ने नोएडा से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बीमा पॉलिसी पर बोनस देने का झांसा देकर 70 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का खुलासा कर 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 अन्य फरार ठगों की भी अब तलाश की जा रही है। दोनों ठगों के कब्जे से 2 मोबाइल, 2 सिम और नकदी बरामद की गई। वही पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। थाना रेंज जो परिक्षेत्र स्तर का थाना है, इसके द्वारा आज एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया गया है। इसमें एक अनिल बंसल नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा साइबर क्राइम थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उनसे 70 लाख रुपए LIC के नाम पर, उसमें प्राप्त होने वाले बोनस के नाम पर उनसे ले लिए गए हैं और वो अभियुक्त अब उनको पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा जो अभियोग पंजीकृत कराया गया था, हमारी साइबर टीम द्वारा जब उसमें काम किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो मेन 3 एक्यूज थे जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं उनमें से उन लोगों द्वारा इनके साथ साइबर ठगी की गई थी LIC के नाम पे। उनमें आज एक अभियुक्त यश और उसके साथ एक चमन नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा ये सारे अकाउंट खुलवाए गए थे, उसे अरेस्ट किया गया है। इसमें अन्य अभी 5 लोग वांटेड हैं। लगभग 17 खाते ऐसे हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया है जिसमें ये यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।